हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा न्यूज आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा न्यूज आ रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिपाही भर्ती नतीजों की तारीख घोषित हो चुका है और 11,880 जवानों की होगी बहाली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में फुल डिटेल हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं कि सिपाही भर्ती नतीजों की तारीख घोषित, ठीक है, 11,880 सिपाही की होगी बहाली। यहां से पढ़ सकते हैं आप फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस ने कांस्टेबल के 11,880 पदों पर बहाली के लिए सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद यानी CSBC ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 7 दिनों में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नतीजे जो है 7 दिनों के अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। इसी भर्ती के बाद बिहार पुलिस के नए 11,880 जवान मिल जाएंगे, ठीक है। आगे भी न्यूज है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जानकारी के अनुसार नतीजे घोषित करने के लिए सभी कामों को पूरा कर लिया गया है और 7 दिनों में रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि CSBC ने 11,880 सीटों के लिए साल 2019 में विज्ञापन निकाला था, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट जो है वो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी आए रिजल्ट आपका, सबसे पहले आप तक उसका नीच पहुंच सके। आगे बढ़ सकते हैं कि बता दें कि 4 अक्टूबर 2019 को 11,880 पद पर पहले के लिए विज्ञापन निकाला गया था। तो ये फ्रेंड्स, ये पहले का न्यूज है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।